और आज से 6 दिन बाद मनाया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। जन्माष्टमी पर मुंबई में मनाया जाता है दही हांडी का त्यौहार और इस बार गोविंदा बिना किसी रोक टोक के फोड़ सकेंगे दही हांडी। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी के पिरामिड की ऊंचाई पर रोक हटा दी है और साथ ही कोर्ट ने गोविंदा की उम्र 14 साल करने के राज्य सरकार के अनुरोध को भी मान लिया है। मुंबई में हर साल दही हांडी का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। मुंबई की हर सड़क दही हांडी की मटकियों और गोविंदाओं के पिरामिडों से पट जाती है। दही हांडी की मटकी फोड़ने के लिए गोविंदाओं में गजब का जोश देखने को मिलता है। हर साल होने वाले दही हांडी मुकाबलों में ऊंची से ऊंची दही हांडियां तोड़ने की होड़ लगती है। लाखों रुपयों के पुरस्कार भी जीतने वाली टीम के लिए रखे जाते हैं। ऐसे में अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। इसी क्रम में चली लंबी अदालती कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पिरामिड की ऊंचाई तय करना कोर्ट का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। गोविंदा की उम्र को लेकर भी कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे को ही मानते हुए गोविंदा की उम्र 14 साल मान ली है। और कोर्ट ने भी आदेश सुनाते समय ये कहा कि हम 14 साल के नीचे के बच्चों को प्रतिबंधित करने के विषय में जो निर्देश दे रहे हैं वो राज्य सरकार ने हमें निर्देशित किया, ध्यान में लाया, इसके कारण कर रहे हैं। यानी अब 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा दही हांडी तोड़ने में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हालांकि 3 साल पहले गोविंदा की उम्र को हाईकोर्ट ने 18 साल करने का आदेश दिया था। 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न रखने का आदेश दिया था। साथ ही दही हांडी तोड़ने के लिए बनने वाले मानव पिरामिड में 18 साल से कम के लोगों को भी भाग लेने से रोका था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 18 गोविंदा मंडलों का कहना है कि वो सुरक्षा पर कोर्ट का आदेश मानने को तैयार है, लेकिन ऊंचाई सीमित कर देने से उत्सव का आनंद खत्म हो गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।